तो गाइस ये देखो भाई आप लोग, ये है अपना भाई राजू, ये है हमारा टॉप बॉक्स। और अब इसके लिए नया जो हमने टॉप बॉक्स कैरियर का जो फैब्रिकेशन करके बनाया था भाई, वो चीज है। तो भी टॉप बॉक्स लगने के बाद भी भाई, ये हमारा राजू भाई कितने वेट होगा अपना? 60-65 किलो का भाई ये है। तो वो बंदा भी टॉप बॉक्स के ऊपर बैठ गया भाई और उसके ऊपर झूल रहा है ये देखो। और ये कह रहा भाई अब चाहे इसके साथ भी चाहे एक बंदे को और बिठा लो भाई, किस किस तरह से भाई वो काम कर रहा है, क्या क्या फिटनेस कर रहा है, किस तरह उसको लगा रहा है भाई, और क्या पूरा पूरा प्रोसेस भाई। एक बार इसको लगा के इसकी ना फिटिंग वगैरह क्रॉस चेक कर रहे हैं कि भाई जो इन्हें बैक कैरियर जो बनाया है ये भी अच्छे से फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा। ये एक्स्ट्रा सपोर्ट लगाई है ताकि भाई अगर वजन वगैरह ज्यादा हो जाए हमारे टॉप बॉक्स के अंदर भाई, तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले। भी आप देख सकते हैं लेदर प्लस मैश सब कुछ है। ये होल्स जो आपके सब वेंटिलेशन के लिए दिए हैं, जितने भी होल्स आपके होते हैं। ये देखिए नॉक्स के अंदर इसमें दो कलर आता है, एक ब्लैक वाइट, वो सॉरी नियॉन वाइट और एक रेड वाइट, दो कलर आते हैं आपके। इंपॉर्टेंट लॉन्ग ग्लव्स में अब जो आ रहा है आपका पिंकी फिंगर अटैच आता है। कोई भी आप लॉन्ग ग्लव्स देखेंगे अभी देखिए पिंकी फिंगर अटैच आता है, क्योंकि मेनली ग्लव्स राइडर्स का यही आया है कि जब भी आप कभी गिरते हैं तो आपकी पिंकी फिंगर पर चोट सबसे ज़्यादा लगती है। क्योंकि मेन पर्पज़ जो है इसका डुअल स्पोर्ट्स होता है, ऑफ रोडिंग में ज़्यादा यूज़ होता है ग्लव्स हमारा। ग्लव्स प्रॉपर देखिए लेंथ आपकी इसकी लॉन्ग पूरे आपके रिस्ट कवर कर रहा है। ये नॉक्स आर्मर के साथ है, नॉक्स आपकी यूके की कंपनी है। प्रॉपर लॉन्ग ग्लव्स 950 की रेंज में प्रॉपर लेदर ग्लव्स हैं, AGT SP, इसमें भी आपके SP आर्मर है। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को हर ब्रांड की भाई, हर रेंज की जैकेट्स, राइडिंग पैंट, सब कुछ भाई, जो भी एवरीथिंग भाई, जो कुछ भी होता है राइडिंग के अकॉर्डिंग भाई, जो भी आप लोगों को यूज है, जो चाहिए वो सब कुछ भाई यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। तो भैया आप लोगों को भेज, ये हमारा टॉप बॉक्स 65 लीटर का ये लिखा हुआ यहाँ पे। तो भाई बिल्कुल लेटेस्ट भाई, यूनिक आपके सामने ही ओपन हो रहा है पूरा टॉप बॉक्स, ये देखो भाई। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा धमाकेदार और फुल इन्फॉर्मेशन से भरा हुआ आप लोगों के लिए होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो हमारी जो राइड है उसकी तैयारी चल रही है और भाई उसके सामान लेने के लिए भी हमें दिल्ली जा रहे हैं। और भाई आप लोगों ने मेरी जो लास्ट वाली वीडियो ना उसको आप लोगों ने देखा होगा कि भाई मैंने आज तक भाई जो भी अपने मोटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड, अपना कैंपिंग से रिलेटेड और भाई जो भी हमारा जो ब्लॉगिंग से रिलेटेड जितना भी सामान था भाई, जो भी मैंने आज तक परचेज किया था गाइज, वो सभी सामान भाई मैंने आपकी लास्ट वीडियो में भाई आप लोगों को दिखाया है। लिंक आई बटन में आप लोगों को मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक भाई आप लोगों के लिए डाल दूँ अगर आप लोगों ने किसी ने वो वीडियो नहीं देखी। अभी बहुत सारा ऐसा सामान है जो हमारे कैंपिंग से रिलेटेड है, हमारे मोटो ब्लॉगिंग से रिलेटेड है और भी ब्लॉगिंग वगैरह करेंगे आपको अच्छे अच्छे व्यू दिखाएंगे, उसके रिलेटेड भी काफ़ी सामान है भाई जो हमारे यहाँ पे लेना में बाकी है। तो भी उसी के लिए भी आज हम जा रहे हैं दिल्ली। बिल्कुल भी इस ब्लॉग को स्किप मत करना प्लीज, स्टे ट्यून और लेट्स गो भाई। बगैर बिल्कुल फुल इन्फॉर्मेशन भरा भाई, धमाकेदार ब्लॉग होने वाला है। इतनी सारी चीज़ें दिखाऊंगा जिस ब्लॉग में, इतनी चीज़ें दिखाऊंगा जिसे देख कभी आप लोगों का दिल खुश हो जाए और फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो प्लीज स्टे ट्यून और भी लेट्स गो भी। अब मैं आप लोगों को मिलूंगा भाई GoPro मोड पर। तो गाइस अब हम निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ और हिमाचल की तरफ जाते हैं, उसके लिए भी यही रूट भाई सूटेबल करता है। अगर आप लोग दिल्ली से आओगे तो सीधा आप दिल्ली को से भाई बिल्कुल सीधा ही निकलना है आपको। दिल्ली यहाँ से 65 किलोमीटर है, दिल्ली बाईपास। अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ जाओगे तो गाजियाबाद, IGI हवाई अड्डा और भाई गुरुग्राम, और सीधा भाई हम दिल्ली के लिए निकलेंगे। अब हम जा रहे हैं भाई दिल्ली आजादपुर की तरफ। तो भी यहाँ से हम राइट होंगे इंद्रलोक की तरफ, मेट्रो स्टेशन, और भी वहाँ से सीधा शास्त्री नगर, और भी शास्त्री नगर से अभी बाकी राइट बत्ती से होते हुए सीधा करोलबाग की तरफ निकलेंगे। लोग मेट्रो स्टेशन पर पहुँच चुके हैं और यहाँ से लेंगे भाई हम लेफ्ट। जो रास्ता है उसकी इन्फॉर्मेशन भाई आप लोगों को दूंगा ताकि जब कभी भी आप लोग भाई यहाँ पर आओ तो आप लोगों को किसी प्रकार प्रॉब्लम ना हो। और ये शास्त्री नगर ये ब्लॉक और भैया आएगा शास्त्री नगर, ये है भाई गुलाबी बाग का रेड लाइट। राइट में जाएंगे तो भी करोलबाग की तरफ जाएंगे, अगर हम सीधा जाएंगे तो भाई प्रताप नगर मेट्रो स्टेशन, और भाई सीधा उसके पास में भाई हम सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे। अगर यहीं से भाई अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो भाई गुलाबी बाग होते हुए सीधा कमला नगर की तरफ जाएंगे, और भाई कमला नगर होते हुए सीधा हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ हम घुस जाएंगे, विश्वविद्यालय की तरफ।
हमें यहाँ से चलना है राइट में अपने करोल बाग की तरफ गाइज। तो गाइज यहाँ से लेके हम लेफ्ट साइड में करोल बाग की तरफ, और अगर हम जो राइट साइड में यहाँ से जाना है हमें तो गाइज वो जाएगा पंजाबी बाग की तरफ। तो गाइज ये देखो ये है यहाँ का लिबर्टी सिनेमा, बहुत ही पुराना भाई सिनेमा घर है यहाँ का। और भी अब हम ऑफिशियल भाई कह सकते हो कि हम करोल बाग के अंदर भाई एंट्री कर चुके हैं। और यहाँ से लेना है हमें लेफ्ट भगवान महावीर चौक से भी हम लेंगे लेफ्ट। भाई ये चीज़ें भाई मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि भाई इन फ्यूचर भी कभी आप आओ तो जब इंटर्न वगैरह पाओ तो आपको पता लग जाए भी हाँ भाई हम सही आ रहे हैं। तो गज हम पहुंच चुके हैं चोपड़ा ऑटोमोबाइल, हमें जाना है इनके गोदाम। अभिषेक कोई भी किसी प्रकार का भी जो राइडिंग गियर्स वगैरह हेलमेट और कुछ भी लेना एक्स वाई जेड, ये यहाँ की करोल बाग की सबसे मेन शॉप है चोपड़ा ऑटोमोबाइल। हर एक तरह से बेस्ट क्वालिटी और भी हर एक तरह की रेंज में यहाँ पे मिल जाएगी आपने, बिल्कुल सारी रेंज बिल्कुल एकदम से। और अब मैं जो हम जा रहे हैं ना वो जा रहे हैं यहाँ के इसके गोदाम पर जो इसका स्टॉक है जो यहाँ पे स्टॉक रहता है। ये लेख भाई बंदा गाड़ी को बीच रोड में खड़ा करके भाई गुल हो गया और यहाँ पे लग गया जाम। भाई तू आगे ने लिया ये निकल जाए, आप लोग लिया आगे लिया हो भाई ये नहीं ऐसे निकल जाए फिर आप ले आना यहाँ से। तो भाई इतना भूल भले ही हमें घूमकर भाई हम पहुंच चुके हैं चोपड़ा ऑटोमोबाइल के गोदाम। अब हम चल रहे ऊपर सेकंड फ्लोर पर और भाई लेकिन अब सीधा आएंगे हम ऑन कैमरा जहाँ से हम खरीदे अपना टॉप बॉक्स 65 लीटर का और भाई अपने राइडिंग ग्लव्स वगैरह और भी उसके रिलेटेड भी बहुत सारा सामान जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। तो भी लेट्स गो भाई। कैसे भाई? तो गाइस ये है हमारे भाई राम। तो कभी भी किसी प्रकार की भी कोई भी राइडिंग गियर्स वगैरह लेना हो आपको, किसी प्रकार की कोई एसेसरी लेनी हो तो भी आप यहाँ पे देखोगे आप आ सकते हो। जो मैं अब यहाँ पे लेने वाला हूँ भाई वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो क्या है, जो कि भाई हमारे राइडिंग और हमारी कैंपनिंग और भाई जो हम टूर पर जाएंगे उसके लिए भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई। संडे होने के कारण भाई काफ़ी भीड़ है, काफ़ी रस है यहाँ पे, मिलेगा हर मॉडल मिलेगा भाई लेटेस्ट लेटेस्ट यहाँ पे और ओल्ड से भाई। तो गाइस हम यहाँ पे लेने आए हैं भाई अपना 65 लीटर का भाई टॉप बॉक्स गाइस। ये हमारा टॉप बॉक्स 65 लीटर का ये लिखा हुआ यहाँ पे। फर्स्ट लुक भी मैंने देखी और फर्स्ट लुक ही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसको गाइस। ये देखो भाई फुली वाटर प्रूफ है और 65 लीटर का भाई। और भी आप लोगों यहाँ पर भी किसी प्रकार भी किसी भी वो भी 38 से 65 लीटर तक भाई हर प्रकार का आपको टॉप बॉक्स मिलेगा यहाँ पे एल्युमिनियम के गाइस। अगर आप फाइबर में जाएंगे तो फाइबर के अंदर हमारे पास 18 लीटर से स्टार्ट है ओके, और उसके अंदर हमारे पास आपको 50 लीटर तक मिलेगा, मतलब फाइबर के अंदर 18 लीटर 50 लीटर तक आपको मिलेगा आपके अंदर। 38 से लेके 65 तक एल्युमिनियम 38 से 65 लीटर तक। ये सर फुल्ली वाटरप्रूफ और बिल्कुल एकदम सेफ वाटरप्रूफ होगा, प्योर एल्युमिनियम का, प्योर एल्युमिनियम का। बाकी ओवरऑल क्वालिटी इज वेरी गुड। तो इसकी फिटमेंट वगैरह जो क्लैंप सेट है सारा साथ में आएगा ना, ये फिटमेंट इसकी ये दोनों चाबी है ओके, क्लैंप किट आपके साथ में आएगी ठीक है। और ये इसकी बेस प्लेट जो है ये डिटैचेबल है इसकी, ये बेस प्लेट ऐसे डिटैचेबल है, ये डिटैचेबल है ओके, ये वाली। और आपकी जो बाइक के ऊपर आपका जो मेन हेड टॉप कैरियर होगा जो टॉप रैक होता है उसके ऊपर जाके इसके ऊपर इजीली लग जाए ओके ओके। तो भाई हमने ये चीज़ ये ले लिया है, आप लोगों को फुली डिटेल में आप लोगों को मैंने इसको बताया है, इसकी फुल डिटेल रिव्यू आप लोगों को दिया है। तो बुक से हमने बाय कर लिया है और भाई आप लोगों को मैंने दिखाया सब कुछ पूरी डिटेल में, पूरा रिव्यू आप लोगों को मैंने दिया। तो गाइस अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट एसेसरी लेने के लिए जो कि हमारा राइडिंग ग्लव्स, जो राइडिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा मोस्ट जो हमारी जो राइड शुरू होने वाली है उसकी एसेसरीज लेने के लिए, जिसके लिए भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा जो प्रोडक्ट था
टॉप बॉक्स 65 लीटर, उसकी फुल डिटेल भाई हमने आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अब हमारी जो नेक्स्ट जो एक्सेसरीज है वो भी जो सबसे मोस्ट है राइडिंग के लिए, राइडर के लिए, वो है हमारे ग्लव्स। और भी वो मैं आप लोगों को उसकी फुल रेंज जो सबसे ज़्यादा चलने वाली, सबसे ज़्यादा बिकने वाली, ऑलमोस्ट जो राइडर है भाई वो उसको वेयर करते हैं और वो लेने चाहिए भाई, वो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तो ये मैम है आप लोगों को, ये मैम आप लोगों को फुल डिटेल में मॉडल नंबर वगैरह और भी जो प्राइस वगैरह आप लोगों को बताई गए। तो मैम बोलिए। हेलो एवरीवन, ये रैनॉक्स का ग्लव है, स्टार्टिंग है टोनाडो ग्लव, थोड़ी ही 3600 की इसकी MRP है। और इसमें नॉक्स आर्मर के साथ ये ग्लव्स है, प्रॉपर मैश और लेदर दोनों है इसमें, आप देख सकते हैं। इसमें कलर ऑप्शन भी आते हैं, साइज मिल जाते हैं। एक ये रैनॉक्स का इसमें कितने कलर ऑप्शन आते हैं? इसमें तीन कलर ऑप्शन आते हैं, तीन कलर ऑप्शन आते हैं, रेड आता है, ऑरेंज आता है और नियॉन आता है। एक इसका नेक्स्ट मॉडल है, इसे अपर अर्बन एक्स हम बोलते हैं, ये भी प्रॉपर मैश और आपका नॉक्स आर्मर के साथ है। तो मैम ये कितनी रेंज का? ये 3600 का है, ये आपका 3750 की रेंज में आएगा। इसमें भी आपका नॉक्स के आर्मर है, नॉक्स आपकी यूके की कंपनी। इसमें साइड में एक ये बेनिफिट और है, तो थोड़ा सा सेमी गॉन्टलेट में आप इसको ले सकते हैं। और एक ये रेनॉक्स का AGT ग्लव्स आता है, 950 की रेंज में, प्रॉपर लेदर ग्लव्स है, AGT SP। इसमें भी आपके SP आर्मर है, नॉक्स के ये नॉक्स के SP आर्मर है, SP स्लाइडर्स के साथ रेनॉक्स का एक ग्लव्स आता है। उनके लिए भी सबसे यूजफुल है भाई, 2950 रुपये की रेंज के भाई ये ग्लव्स है। यार भाई मोस्टली बंदे भाई इनको वेयर करते हैं, भाई मैं भी इन्हीं को लेने वाला हूँ भाई, लेकिन भाई इसका रेड कलर वगैरह मैं जो भी लूँ आप लोगों को बता दूँगा। एक ही रेड का ग्लव्स आएगा एयर वे, ये 3350 रुपये की रेंज में है, नॉक्स आर्मर के साथ है ये ग्लव्स आपका। इसमें भी प्रॉपर मैश और लेदर आपका दोनों है, इसमें भी साइड में ये पैनल दिया हुआ जो आपको सॉमी कंट्रोल करता है इस ग्लव्स को, जो कि आपकी रिस्क को कवर करता है। अपन इससे लोअर मॉडल आता है राडो का, 2750 की रेंज में आएगा ये। इसमें ये लेदर नहीं है, इसमें क्लॉथ है प्लस मैश है आपके, आपके जो ग्लव्स की मेन प्रोडक्शन है पाम पे भी है और नकल्स पे भी है, आप देख सकते हैं। इसमें भी तीन चार कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, ब्लैक नियॉन आता है, ब्लैक आता है, एक सैंड कलर आता है इसमें। एक इससे अपर आप आएंगे तो सोलेस का ग्लव्स आएगा ये, 3500 की रेंज में। इसमें लेदर प्लस मैश है आपका, ये देखिए ये लेदर है प्लस समर वेंटिलेशन के लिए मैश भी है इसमें। और ये नॉक्स की आर्मर है आपके, इसमें नॉक्स आपकी यूके की कंपनी है। एक ये रैनॉक्स का ग्लव्स आप और देख सकते हैं, ये रैनॉक्स का ऑफ रोडिंग ग्लव्स है, ग्रेवल ग्लव्स जिसे हम बोलते हैं। इसमें भी कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए होता है। वैसे तो ये डुअल स्पोर्ट्स है, आप ऑफ रोडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल राइडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, लेकिन मेन पर्पज़ जो है इसका ये डुअल स्पोर्ट्स होता है, ऑफ रोडिंग में ज़्यादा यूज़ होता है ग्लव्स हमारा। अब आप लॉन्ग ग्लव्स पे आ जाइए, लॉन्ग ग्लव्स है सुलेस का, लॉन्ग ग्लव्स है सीरियस ग्लव्स प्रॉपर, ये देखिए लेंथ आपकी इसकी लॉन्ग, पूरे आपके रिस्ट कवर कर रहा है, ये नॉक्स आर्मर के साथ है, नॉक्स आपकी यूके की कंपनी है, प्रॉपर लॉन्ग ग्लव्स। एक आपको इसी टाइप में वाइटेरा में भी मिल जाता है 6000 की रेंज में, इसमें भी आपके वही प्रॉपर लॉन्ग प्लस नॉक्स के आर्मर, लेदर प्लस मैश सब कुछ मिलेगा इसमें आपको। ये आपका वेंटिलेशन के लिए स्पेस दिया हुआ है, प्रॉपर लेदर ग्लव्स है, इस टाइप में आपका रैनॉक्स भी आ जाता है। देखिए आप सेम ही मतलब मॉडल टाइप का है, मतलब अलग अलग थोड़ा डिजाइन वगैरह दे रखा है ये इसका, और ये है कलेक्शन सबकी सेम है, थोड़ा थोड़ा हर कंपनी अपना अपना जो डिफरेंस रखती है वही डिफरेंस है, बाकी आर्मर सब में नॉक्स के हैं, सब में नॉक्स के आर्मर, मतलब जो सेफ्टी प्रोटेक्शन है भाई वो सब में बिल्कुल सेम है नॉक्स में, लेकिन मॉडल अलग अलग चेंज कर दिया लोगों ने, अलग अलग डिजाइन वगैरह लुक वगैरह देने के लिए, क्योंकि काफी बंदों की भी एक जैसी चॉइस नहीं होती, अलग अलग चॉइस होती है, किसी बंदों को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग ग्लव्स में जो आ रहा है आपका पिंकी फिंगर अटैच आता है, कोई भी आप लॉन्ग ग्लव्स देखेंगे अभी देखिए पिंकी फिंगर अटैच आता है, क्योंकि मेनली ग्लव्स राइडर्स का यही आया है कि जब भी आपका भी गिरता है तो आपके पिंकी फिंगर पर चोट सबसे ज़्यादा लगती है। तो उस चीज़ को देखते हुए आप कोई भी आप लॉन्ग ग्लव्स देखेंगे तो सब में आपके पिंकी फिंगर अटैच है, आप कोई भी ग्लव्स देखिए सब में आपके पिंकी फिंगर अटैच है, देखिए सब में आपके पिंकी फिंगर अटैच है। क्योंकि ये चीज़ देखो गाइस, जब भी हम गिरते हैं ना, गिरने के बाद भी जो हमारी फिंगर है ऐसी हो जाती है, तो सबसे ज़्यादा डैमेज होने का खतरा है हमारी फिंगर, जो लिटिल फिंगर है इसको हो जाता है इस पर, इसलिए भी मोस्टली जो अच्छी कंपनी है, अच्छे ग्लव्स है, उन्होंने भी इनके साथ ये ज्वाइंट ये दिया ताकि भाई ये हमारी फिंगर अलग नहीं होगी और इस पर ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। इस तरीके का ये वाइटेरा का भी ग्लव्स देख सकते हैं आप, प्रॉपर लेदर प्लस मैश के साथ, इसमें भी आपके नॉक्स के आर्मर है, इसमें भी कलर ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। कितनी रेंज में होगा? 3500 की रेंज में। 3500 की रेंज में रॉयल एनफील्ड का ग्लव्स मिल जाएगा आपको प्रॉपर लेदर की रेंज में। ये रॉयल एनफील्ड का ग्लव्स है गाइस, 2500 की रेंज है, प्रॉपर लेदर ग्लव्स, लाइट वेट ग्लव्स, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, लेदर ग्लव्स भी हो और लाइट वेट भी हो, मतलब डेली वेजेस के लिए, अगर डेली वेयर के लिए लाइट वेट लेदर ग्लव्स हैं आपको। इसमें दो कलर ऑप्शन आते हैं, एक रेड आता है, एक ब्राउन आता है। देखिए सुलेस का ग्लव्स आप देख सकते हो, 2650 की रेंज में, इसमें प्रॉपर इसमें लेदर कम है आपका, मैश ज़्यादा है, समर पर्पज़ के लिए जो आपको चाहिए होता है। ये देखिए नकल्स पे और पाम पे आपकी सारी प्रोटेक्शन है इसमें, जितने भी आप देखेंगे। देखिए रॉयल एनफील्ड का ग्लव्स है, ये देख सकते हैं आप, ये भी काफ़ी अच्छा ग्लव्स है, काफ़ी अच्छा ग्लव्स है, क्रैक्समैन के नाम से ग्लव्स है ये, ये देखिए इसकी प्रोडक्शन आप देख सकते हैं। ये ग्लव्स आता है 5000 की रेंज में, शिफ्टर ग्लव्स, इसमें भी आप देख सकते हैं लेदर प्लस मैश सब कुछ है। ये होल्स जो आपके सब वेंटिलेशन के लिए दिए हैं, जितने भी होल्स आपके होते हैं, ये देखिए कलर के आर्मर है, इसमें दो कलर आता है,
एक ब्लैक वाइट, वो सॉरी नियॉन वाइट और एक रेड वाइट, दो कलर आते हैं आपके इसमें। किस रेंज में होगा ये? 5000 की रेंज में होगी। कितनी भी वैरायटी हमारे पास वो मिल जाती है। ये सुरेश का विंटर ग्लव्स है 40-50 की रेंज में, प्रॉपर विंटर प्लस वाटर प्रूफ ग्लव्स। वाटर प्रूफ ग्लव्स हैं ये, हमारे विंटर प्लस वाटर प्रूफ ग्लव्स हैं। ये वाइट एरा का ग्लव्स आएगा 4000। ये फुली वाटर प्रूफ ग्लव्स है मैम? हाँ जी। कितनी रेंज होगी इसकी? इसकी आपकी 4000 रुपीज़। 4000 की रेंज में भाई वाटर प्रूफ जो ग्लव्स आप लोगों को मिलेंगे विटारा कंपनी के। देखो इस कंपनी का हमारे जो सैडल बैग वगैरह और काफ़ी राइडिंग गियर्स वगैरह भी हमें मिलते हैं। एक ये आप देख सकते हैं बीबी जी का, ये वाटर प्रूफ ग्लव्स है 3000 की रेंज में। बीबी जी का अदर ऑप्शन भी आप 3600 की रेंज में देख सकते हैं। ये आपका रेडा का ग्लव्स आता है विंटर वाटर प्रूफ ग्लव्स 2950 रुपीज़ की रेंज में। ये थोड़ा शॉर्ट आ जाता है, उस कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है शॉर्ट ग्लव्स की। बाकी आपने जो अभी तक विंटर ग्लव्स देखे हैं सब थोड़ा लेंथ में लॉन्ग है। ये थोड़ा शॉर्ट है, ये सेमी कॉन्टलेट आ गया। ये आप अगर आप प्रॉपर देखेंगे प्रॉपर लॉन्ग ग्लव्स है इसकी। ये देखिए तो कुछ कस्टमर की शॉर्ट की रिक्वायरमेंट, शॉर्ट के अकॉर्डिंगली ये बहुत अच्छा ऑप्शन है रेडा का। शॉर्ट में आपको एक ऑप्शन सभी मिल जाता है विंटर ग्लव्स, इसमें दो कलर्स मिल जाते हैं। ये शॉर्ट ग्लव्स है रॉयल एनफील्ड का भाई विंटर ग्लव्स। किसी कितनी प्राइस रेंज है मैम इसकी? 2250 की रेंज में भाई। आप लोगों ने देखा कि हमने जितनी भी मेन मेन भाई जो बिल्कुल रनिंग आई कम रेंज वाला भी और मिड रेंज वाला भी और हाई रेंज वाला भी आप लोगों को दोनों दिखाए। और भाई इसके अंदर समर विंटर प्लस भाई वो वाटर प्रूफ ग्लव्स भी मैंने आप लोगों को दिखाए हैं। जो मैं आप राइडिंग ग्लव्स लेने जा रहा हूँ वो भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मैं कौन सी ले रहा हूँ भाई तो मुझे ना वो दिखा दो, एयर जी टी का ऑरेंज कलर में SP। तो गाइस ये है एयर जी टी SP मेरी जो फर्स्ट जो मेरी चॉइस है और यही मैं जाऊंगा। आप लोग भी और भाई जो 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 ग्लव्स है ना गाइस काफ़ी बेस्ट ग्लव्स है भाई। कम से कम 10 से 15 दिन मैंने खूब एनालाइज किया भाई, खूब डिटेल में जाकर भाई डिसीजन लिया कि भाई मैंने ये ग्लव्स लेने हैं। और भाई इसका रिव्यू भाई मैं पहले इसको यूज करूँगा, यूज करने के बाद भी मैं ऑनेस्टली भी आप लोगों उसके बाद भी आप डिसाइड कर लेना कि अगर भाई आपको इनमें से कोई लेना है या भाई फिर आप लोगों को ये लेना है। तो मैम इसका साइज प्रॉपर आएगा मेरे को? ये कौन सा साइज है? अंदर डालने के बाद तो भाई थोड़ा ठीक ऐसा लगा जो फिटिंग लेके बना रखा है। रेंज क्या है इनकी ध्यान? रेंज तो गाइस ये देखो जितनी भी यहाँ पे ग्लव्स की रेंज थी भाई सारी लो रेंज से लेकर हाई रेंज तक मैंने सभी आप लोगों को यहाँ पे दिखाया है। और भाई मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैंने कौन से ग्लव्स लिए। भाई ये देखो मैंने ये ग्लव्स लिए हैं, ये है रेनॉक्स के एयर जी टी SP ग्लव्स भाई 2950 रुपये की रेंज है। बहुत ही जबरदस्त भाई ग्लव्स है भाई, ये काफ़ी कम्फर्टेबल है। अभी अगर इसका रिव्यू भाई मैं इसको यूज़ करने बाद दूंगा कि इसका रिव्यू कैसा है और भाई किन बंदों को ये लेना चाहिए और किन बंदों को भाई ये नहीं लेना चाहिए। तो एक बार यहाँ का ओवरव्यू आप लोगों को दिखा रहा हूँ कौन सी रेंज में कहाँ मिल रहा है क्या क्या चीज़ है। फिर हम अपने नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है भाई जो और भी हमने सामान लेना है राइडिंग वगैरह का भाई वहाँ पे हम चल रहे हैं गाइस। तो भाई लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को हर ब्रांड की भाई हर रेंज की जैकेट्स राइडिंग पैंट सब कुछ भाई जो भी एवरीथिंग भाई जो कुछ भी होता है राइडिंग के अकॉर्डिंग भाई जो भी आप लोगों को यूज है जो चाहिए वो सब कुछ भाई यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा। आप लोगों को भी इस तरह की चीजें यहाँ पे चाहिए तो भी आप लोग यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हो गाइस। लेकिन भाई आज हमें भाई राइडिंग जैकेट्स वही पैंट वगैरह नहीं लेनी है तो इसलिए भाई यहाँ का भाई मैं आप लोगों को और व्यू यहाँ का डिटेल में दे पा। ये है भाई हमारी हेलमेट की, नी गार्ड्स वगैरह की और भाई टैंक बैग वगैरह की और भाई जो सैडल बैग वगैरह है यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देंगे। तो यहाँ का भी एक बार 360 भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को भाई। संडे के कारण भाई काफ़ी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है लेकिन भाई सामान की कोई कमी नहीं है। राम है कैपेसिटी कितनी है इसकी? ये देखो भाई नहीं है ना एक्स्ट्रा स्मॉल।
ये इसका ब्लैक दिखा दीजिए ना, हमें देखना है। आज आप लोगों ने देखा भी, मैंने पूरा ओवरव्यू भी यहाँ का आपका गोदाम का आप लोगों को दे दिया। हाँ भाई, आप कभी भी इन फ्यूचर भी कोई भी किसी प्रकार की कोई भी चीज़ चाहिए तो भी आप यहाँ पे आकर ले जा सकते हो। आपको तो भी यहाँ पे मिलेगा हमारा राम भाई, इससे भी आप लोग आके मिल सकते हो। वो बहुत ही कोऑपरेटिव, काफ़ी अच्छा और बहुत ग्रेट बंदा भाई यहाँ पर। तो भी हम फटाफट से भी यहाँ से बिलिंग करते हैं और भी जो नेक्स्ट जो हमें जो चीज़ लेनी है अपनी राइड के लिए भाई, वो आप लोगों को दिखा रहे क्या लेंगे और भाई किस तरह क्या डिटेल होगी हम दे रहे हैं गाइस। तो गाइस अब हम जा रहे हैं रॉयल बुलेट एसेसरीज, जहाँ से मैंने अपनी बाइक की भाई फुल्ली टूरिंग एसेसरीज करवाई थी। फिर जो अपने साथ जो भाई है वो उसने कुछ एसेसरीज अपनी लगवानी है अपनी बाइक के ऊपर, और भाई मैं भी अपना टॉप बॉक्स भी वहाँ से इंस्टॉल करवा लूँ। हेलो सर, कैसे हो आप? कैसे हैं जनाब? बढ़िया जी, बस भाई। पत्ती तो आपकी लगी हुई है नीचे वाली, ये देख ली, लेकिन वो टॉप बॉक्स इंस्टॉल करवाना था। 65 लीटर एक पंगा हुआ है भाई बड़े वाला, जो मैं टॉक बॉक्स देखा था 65 लीटर का। अपने कमल भाई कह रहे हैं कि भाई इस रैक कैरियर के ऊपर भाई वो फिट नहीं होगा बिल्कुल भी, इसको वो तोड़ देगा और बिल्कुल भी बाइक पे कामयाब नहीं होगा। तो उन्होंने एक भाई का एड्रेस दिया मुझे, राजू भाई का, कह रहे बहुत अच्छी वर्कशॉप है, वहाँ पे जाओ मेरा नाम ले दो और वो इसका ज़बरदस्त और परमानेंट इसका इलाज कर देगा, जिसके बाद भाई फिर कभी हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भाई देखते हैं, वहाँ चलते हैं और मैं आप लोगों को भी बताता हूँ कि भाई हो सकता भी इस तरह की जो प्रॉब्लम है ना भाई आप लोगों के साथ भी आ सकती है, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी 65 लीटर का जो टॉप बॉक्स था जो मैं एक अच्छे स्पेस के लिए मैं ले रहा था भाई, वो इस पे ऐसे नॉर्मल काम नहीं होगा, तो भी ये तो इसको तोड़ देगा बिल्कुल भाई। मैं अब उसके राजू भाई के पास जा रहा हूँ, तो वहाँ पर जहाँ देखते भाई क्या सोल्यूशन निकलता क्या होता है वो आप लोगों सबको मैं दिखाता हूँ भाई। तो भी एक काम करते हैं तो भाई दूसरा काम पहले उसके अंदर अट जाता है, पता नहीं भाई कैसे चलेगा भाई। हमें तो रास्ता मिला नहीं, शायद हम कन्फ्यूज हो गए। तो भी रास्ता भाई वो भूल गए हम कहाँ पे था, वो एक बार उसके पास फ़ोन मिलाते हैं गाइस, उसके बाद पता लगेगा कि भाई मैं कहाँ जाना था। तो उसके बाद मैं एक बार रास्ता कंफर्म कर लेता हूँ कि कहाँ पे उसकी शॉप, तो उसके बाद भी वहाँ चल के आप लोगों से मिलता हूँ गाइस जब। तो हेलो गाइस भाई, देखो मैंने आप लोगों को बताया था रास्ते में कि भाई मैं जब मैंने 65 लीटर का जो टॉप बॉक्स लिया था वो वहाँ पर रखा है, देखो आपको पता वीडियो के अंदर। तो भी जब मैंने ये इंस्टॉल करवाने के लिए कमल आनंद भाई रॉयल बुलेट एसेसरी के पास गया, तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि भाई 65 लीटर का है ना बहुत बड़ा टॉप बॉक्स है, जो इस फिटिंग के ऊपर भाई फिट नहीं होगा, इसको तोड़ देगा और भाई उसको जब फिर लगा भी देंगे तो लचर के भाई नीचे आ जाएगा, बिल्कुल कामयाब नहीं होगा। तो उन्होंने एक भाई का एड्रेस दिया मेरे को, राजू भाई का एड्रेस, जो भी बड़ी मुश्किल से घूमने के बाद हमें एड्रेस मिला है, और वो हमारा भाई राजू है। ये देखो राजू भाई, कुछ मैं ऐसे कंफ्यूज हो रहा था, मगर इतने पैसे लगाए टॉप बॉक्स लिया यार इतनी मुश्किल से, उसके बाद ये फिटिंग में नहीं आएगा तो पता नहीं कैसे होगा, तो वहाँ पर होगा ही नहीं होगा। लेकिन भाई जैसे कमल आनंद भाई ने बताया था कि उसकी दुकान में जाओगे भाई निराश नहीं होगे, बिल्कुल एकदम पक्का फर्स्ट क्लास काम करेगा, और भाई उस काम के लिए अभी राजू भाई गारंटी दे रहा है। ठीक भाई, कैरियर नहीं टूटेगा, गाड़ी भाई टूटेगा, कैरियर नहीं टूटेगा। इसके लिए भी हम एक बड़ा कैरियर लगाएंगे इसके ऊपर विद सपोर्ट के साथ, क्या पूरा पूरा प्रोसेस भाई आप लोगों को दिखाऊं भाई अपने बाइक के पास। भाई देखो इसने पीछे वाला भाई जो टॉप ये बॉक्स कैरियर था भाई इसने उतार दिया भाई, जिस पे ये फिट नहीं होगा, तो उसके लिए भाई ये जो साइड वाला भी इसको भी उतार रहा है, और अभी जैसा जैसा जो भी प्रोसेस होगा गाइस मैं आप लोगों को भी पूरा डिटेल में दिखाऊँ। बिल्कुल सारा जो पीछे का बैक कैरियर वगैरह सब कुछ उतार दिया, अभी राजू भाई ने देखिए ये जो टॉप बॉक्स कैरियर है भाई ये बनाए हैं, उसने बोले काफी मजबूत और बिल्कुल भाई एकदम सॉलिड है। एक बार इसको लगा के इसकी ना फिटिंग वगैरह क्रॉस चेक कर रहे हैं कि भाई जो इन्हें बैक कैरियर जो बनाया है ये भी अच्छे से फिट बैठेगा या नहीं बैठेगा, तो उसके बाद भी इसको मैंने बिल्कुल अच्छे फिनिशिंग करके अच्छा पेंट वगैरह करके भाई दोबारा इसको फाइनल फिट करेंगे। इसको पेंट वगैरह करके देखो भाई अब किस तरह का ये लुक बन गया है। ये एक्स्ट्रा सपोर्ट लगाई है ताकि भाई अगर वजन वगैरह ज़्यादा हो जाए हमारे टॉप बॉक्स के अंदर भाई, तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिले। और भैया देखो दूसरी साइड से भी जो हमारी जो सपोर्ट है इसकी, ये देखो ये लग चुकी है।
लेकिन भाई इसका जो पेंट वगैरह करेंगे तो बिल्कुल एकदम ओके रिपोर्ट हो जाएगी इसकी, और पता भी नहीं लगेगा आपकी जो हमने जो स्पोर्ट लगाई है भी एक्स्ट्रा है इसके साथ है। और जो मैं सामान आज नहीं ले सका तो भाई उसको भी मैं कैसे करके भी मैं उसको मंगवाता हूँ, ये ऑनलाइन मंगवाता हूँ या फिर कभी मुझे मौका मिला तो दोबारा था तो उसके लिए भी आप लोग वीडियो बनाओ। तो ये बहुत सारी और भाई मज़ेदार और धमाकेदार वीडियो आप लोगों के लिए आने वाली। तो गाइस अपने भाई को पूरा सपोर्ट करना गाइस, ताकि भाई इन फ्यूचर भी आप लोगों को भी इस तरह की वीडियो में लाता रहूँ गाइस। और भी अभी जो थोड़ा बहुत काम बाकी भाई वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई। देखिए तो हमारा टॉप बॉक्स बैक कैरियर भाई बन के भाई बिल्कुल फैब्रिकेशन हो गया, बिल्कुल तैयार हो चुका है, बिल्कुल हैवी है, स्टगी है भाई बिल्कुल एकदम से, कितना भी वेट वगैरह डाले भाई हम कुछ भी हो तो हमें कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। और भाई बाकी इसका जो रिव्यू है तो भी आप लोगों ने मेरी जो राइड वगैरह होगी उसको आपको पता लग जाएगा। तो गाइस ये देखो भाई हमारा टॉप बॉक्स कैरियर भाई फाइनल हो गया भाई। अब इसके ऊपर भाई हमारा जो टॉप बॉक्स है 65 लीटर का जो हमारी एक वसड बन गई थी भाई जो पहले वाले कैरियर की वजह से भाई वो अब लगने जा रहा है। ये देखो भाई तो गाइस ये देखो भाई आप लोग, ये है अपना भाई राजू, ये है हमारा टॉप बॉक्स। और अब इसके नीचे जो हमने टॉप बॉक्स कैरी का जो फैब्रिकेशन करके बनाया था भाई वो चीज है। तो भाई टॉप बॉक्स लगने के बाद भी भाई ये हमारा राजू भाई कितने वेट होगा अपना 60-65 किलो का भाई ये है। तो वो बंदा भी टॉप बॉक्स के ऊपर बैठ गया भाई और उसके ऊपर झूल रहा है ये देखो। और ये कह रहा भाई अब चाहे इसके साथ भी चाहे एक बंदे को और बिठा लो भाई, अगर कोई उस कुछ हो जाए तो भाई मैं यहीं पे खड़ा हूँ भाई। ये देखो गाइस ये सच्चाई भैया काम करो, मैं आप लोगों को पहले बोल रहा था जो राजू भाई के पास आएगा तो भाई उसका जो काम होगा ना भाई उसका नतीजा ये देखो भाई, काम करके भी खुद भाई प्रमाण के ऊपर टैक्स की जरूरत नहीं होती भाई। ये देख कह रहे भाई इस बैग कह रही जो टॉप बॉक्स को बंदों ने लगाने से मना कर दिया था भाई, ये भी लगा उसके बाद भाई जो हमारा भाई जो हमारा लगेज है भाई वो भी इसके ऊपर बैठ गया, क्योंकि जो हमारा लगेज है ना भाई राजू भाई वो इसके अंदर तो है नहीं लेकिन भाई हमने इसके ऊपर ही बिठा दिया, वो आए तो उसके ऊपर ही बैठ भाई। तो भाई ये देखो आपको भी कभी भी कोई भी काम किसी प्रकार करवाना है तो भाई राजू भाई से कॉन्टैक्ट करो भाई, कार्ड में जो भी डिटेल है फोन नंबर वगैरह जो भी है भाई सारी भाई मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा भाई। उसमें देखो हो सके भाई अगर डिस्क्रिप्शन में ना भी डाल पाऊँ तो भाई ये कार्ड है इस भाई का, ये बोलना भाई हम डालेंगे अपना सामान जो भी लगेज वगैरह हम लेगा जो बैग वगैरह लेगा तो भाई वो सभी अभी हम इसके अंदर भाई डाल के भाई फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तो गाइज आप ये देखो गाइज कि आपके भाई ने भाई जितनी भी पूरे दिन वीडियो जो भी काम किया जहाँ जहाँ कोई भी सामान लिया कुछ भी हो भी एक्स वाई जेड सब आप लोगों को फुली डीपली और डिटेल में भी मैंने आप लोगों को दिखाया है। और भाई जो हमारे पास जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी भाई टॉप बॉक्स लेने के कारण भाई वो भी मैंने आप लोगों को सारी बताई भी हम कैसे आए कहाँ आए किसके साथ आए किसके पास आए भाई वो आने के बाद हमने क्या किया भाई कौन सा टॉप बॉक्स कह रहे भाई हमने बनवाया फैब्रिकेशन करवाया कैसे इंस्टॉल होया उसको और कैसे उसको भी एक्स्ट्रा सपोर्ट लगवाई उसको पेंट वगैरह होया और उसके बाद भाई सारा काम होने के बाद भी ये टॉप बॉक्स भाई हमारा जो अन इम्पॉसिबल था भाई लगने का भी मैंने एक बार तो ये सोच लिया था भाई जो 65 लीटर जो हमने लिया ना लगाने का जो सपना था भाई वो सपना ही रह जाएगा भाई वो कभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन भाई जो यहाँ पे आने के बाद भाई वो सपना भी भाई मेहनत करी कुछ भी कर करके भाई वो कंप्लीट हो चुका है भाई। इसका जो रिव्यू होगा मैं जब इसको टॉप बॉक्स लगा के जाऊँगा इसमें सामान वगैरह रखूँगा राइड वगैरह करूँगा जो हमारी आने वाली राइड है तो उसके बाद भाई आपको उसको ना फुली डिटेल रिव्यू दूँगा इसका रिव्यू भाई मैं अपनी राइड में आप लोगों को दूँगा। अब मैं इस वीडियो को भाई मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ क्योंकि भाई जो मेरा गोप्रो था उसकी दो बैटरी लिया था वो भाई उसकी दोनों फिनिश हो चुकी मेरे पास आज चार्जर भी कि मुझे नहीं पता था भाई इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट होगी हमें और हमें टॉप बॉक्स कह रहे हैं दोबारा फैब्रिकेशन करवाना पड़ेगा ऐसे करने पड़ेगा तो भाई उसमें सारी जो बैटरी दोनों वो ड्रेन हो चुकी। तो भी मैं बाकी जो मोस्टली काम तभी जो हमारा सारा हो चुका आप लोगों ने सब कुछ आपने देखा वीडियो में और अपने ब्लॉग में भाई। तो अब तो भाई सीधा यहाँ सीधा घर जाएंगे भाई दवाई वगैरह लेंगे तो वीडियो है भाई उसको हम एडिटिंग वगैरह करेंगे और भाई बहुत जल्दी आप लोगों को देखने यूट्यूब पर देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस होप आप लोगों को वीडियो भी अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और भी सब्सक्राइब करना तो भाई बिल्कुल मत भूलना भाई और भाई सब्सक्राइब करके भाई जो बेल आइकन है ना गाइस उसको दबाना बिल्कुल ही मत भूलना भाई। अगर आप लोगों ने भाई जो चैनल को सब्सक्राइब किया और भाई बेल आइकन को नहीं दबाया ना गाइस तो आप लोगों का सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल बेकार है भाई बिल्कुल बेकार होगा क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाओगे गाइस तो दबाने के बाद भी आप लोगों जो भी वीडियो डालूंगा और भाई बेल आइकन दबा के जो ऑल का नोटिफिकेशन जो भाई ऑप्शन होता है उसको दबाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उससे ये होगा भी जब भी कोई भी वीडियो डालूंगा तो सारी वीडियो भी उसी बंदे के पास पहुंचेगी जिसने भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा के ऑल नोटिफिकेशन भाई जो ऑप्शन उसको दबाया होगा। तो गाइस मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, राइड सेफ लाइफ सेफ गाइस सर सलामत तो पकड़िए जर गाइस जय हिंदी।